ये मंदिर की आड़ में सारा कुछ किया जा रहा है। टीवी तो देखने से क्या फायदा सर, देखेंगे तो उन्हीं का है सारा सिस्टम, सारा कुछ वही करवा रहे हैं। तरक्की तो वो कर रहे हैं देश, तरक्की उन्हीं की तो भावना चल रही है सारी, तरक्की तो फिर करेगा ही करेगा। आगे देखेंगे, धरना करेंगे, आज हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने हमें दिया है, बाकी आगे सोचेंगे। हमने हनुमानगढ़ से लगभग एक हनुमानगढ़ से 150-200 हम आए हैं सर। वो तो दोनों एक ही वो कह रहे हैं चटे बटे, हम इनके बारे में नहीं कह सकते, ये तो दोनों ही बेरोजगारी पे उतरे हुए हैं। नहीं सर, ये तो उनका जुमला है, ये दोनों सरकार एक सेम। कांग्रेस वो भी सारा इन्हीं का तो चट्टा बट्टा है सर, घुमा फिरा के वो बात तो वही आनी है, जहाँ मर्जी कर लो। जो जो मोदी कर रहा है वो यही कर रहा है। गहलोत जी भी क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, वही सबको। कहाँ से आए आप? हनुमानगढ़ से, राजस्थान। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो बेरोजगार है उनको काम मिलना चाहिए। सर कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई है? मोदी सरकार ने एक वायदा किया था कि आज से 8 साल पहले कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस वायदे के साथ सत्ता में आया, लेकिन सरकार ने आते ही जिस तरीके से बेरोजगार जो नौजवान थे उनके साथ छल किया है, उनके साथ धोखा किया है। अग्निपथ स्कीम के नाम से 4 साल जो राष्ट्रवाद के नाम से सरकार आई, उसने लोगों को 4 साल के लिए नौकरी दी है, ना उनके लिए पेंशन होगी, ना कोई ग्रेजुटी होगी, कोई गारंटी नहीं होगी 4 साल के बाद में पेंशन नहीं होगी। मगर राजनेता तो जो है बीजेपी के, वो बोल रहे हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। जो देश के अंदर अपनी भावना को लेकर के, राष्ट्रभक्ति की भावना को लेकर के इस देश की सेवा करना चाहता है, क्या ऐसे नेताओं के गार्ड बन करके वो रहेगा? क्या वो उन नेताओं के घरों में उनकी बीवी बच्चों को छोड़ने का काम उसका रह जाएगा? जो देशभक्ति के लिए इस अग्निपथ स्कीम के अंदर भर्ती हुआ है, उसका एक काम देश की सेवा के लिए है और देश को समर्पित है वो लोग। अग्निपथ में गलत क्या है? गलत क्या है? 8वीं 9वीं के भी उसमें जो है भर्ती हो रही है, 8वीं 9वीं को कोई जॉब मिलती है? नहीं मिलती है, लेकिन उनकी भर्ती हो रही है। 75% इनका ये कहना है मोदी सरकार का कि 75% को 4 साल बाद में हम लोग वापस घर भेज देंगे, 25% रखेंगे। वो किस प्रकार से रखेंगे? कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ना कोई गाइडलाइन है कि वो नौजवान जो भर्ती होने के लिए आया है इस स्कीम के तहत, वो नौजवान बेरोजगार और हो गया, क्या गार्ड की नौकरी करेगा इस देश में? इससे बड़ा अपमान उस देशभक्ति के लिए क्या होगा कि वो जो देश की सेवा के लिए अपनी जान की कुर्बानी नौछावर कर दे और उसको एक गार्ड की नौकरी पे रखा जाए? ये तो अग्निपथ का जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं और ट्रेनिंग भी चल रही है और भर्तियां भी हो रही हैं। वैसे तो रेलवे के अंदर 1,50,000 पदों के लिए करीब 2 करोड़ से ज्यादा भी फॉर्म अप्लाई होंगे, अभी ऐसा आंकड़ा आ रहा है। तो वो भी एक बड़ी भयंकर बेरोजगारी इस देश के अंदर है, बहुत ज्यादा इसका विकराल रूप बेरोजगारी का जो हिंदुस्तान भर में है वो कहीं भी नहीं है। ऐसा है, नौजवान जो है किसी के भड़काने से नहीं भड़कता, वही नौजवान जो अपने रोजगार की सवाल को लेकर के, यही नौजवान इस देश के अंदर बीजेपी को लेकर के आया, नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में लेकर के आया, और वही नौजवान आज पूछ रहा है कि कहाँ है मेरा रोजगार, हर हाथ को काम दो, ये पूछने के लिए दिल्ली के अंदर आया है। लेकिन मोदी सरकार वो तमाम आंकड़े छुपा रही है जो सार्वजनिक आंकड़े किए जा रहे थे, केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कार्यालय हैं, उनमें सारे तमाम हजारों पद ऐसे हैं जो खाली पड़े, उनको भरा नहीं जा रहा। मोदी जी ने पकौड़ा तलना रोजगार बता तो दिया है। ऐसा एक नौजवान के साथ एक बहुत बड़ा बद्दा मजाक किया है कि उस नौजवान को पकौड़ा तलने का एक रोजगार बता देना, या उस नौजवान के साथ जैसा हमने भारतीय जनता पार्टी के वो नेता देखे हैं जो कह रहे हैं नौजवान को जरूरत नहीं है नौकरी की। हम कहना चाहते हैं जो देश के अंदर जो बहस चल रही है, टीवी के अंदर जो बहस चल रही है, वो रोजगार पे बहस नहीं चल रही, वो मंदिर और मस्जिद पे बहस चल रही है, वो धर्म के नाम पे बहस चल रही है। मोदी जी और तमाम उन लोगों से हमारा ये निवेदन है कि रोजगार पे बहस शुरू कीजिए, रोजी रोटी कपड़ा और मकान और महंगाई पे आप तो लोग। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है? नो, काय का मुद्दा है? मंदिर जिसकी इच्छा होगी वो मंदिर जाएगा, जिसकी इच्छा है वो मस्जिद जाएगा, जहाँ जिसकी इच्छा है। मंदिर बन रहा है, आप खुश नहीं है? अरे तो बन गया ना, कहाँ दिक्कत आई? उससे कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या हमें वो सरकारी नौकरी मिली जो सरकार ने उस मंदिर के बहाने वो तमाम सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम किया, रेलवे को बेच दिया, ये दूरसंचार कंपनी जो तमाम वो लोग हैं उनको बेचने का काम किया है, ये मंदिर की आड़ में सारा कुछ किया जा रहा है। मंदिर की आड़ में किया जा रहा है, मंदिर चाहते थे मंदिर बनवा के दे रहे हैं लोगों को, आस्था कॉरिडोर किसी ने बनाया आज तक? अयोध्या में राम जी को पहुंचा दिया, बैठा दिया उंगली पकड़ के। ऐसा है, मंदिर मस्जिद
ये आम लोगों के मुद्दे नहीं है। जिसकी आस्था जिसमें है वो वहाँ जाए, कोई मंदिर को माने, कोई मस्जिद को माने, कोई गुरुद्वारा को माने, वो उनकी आस्था का विषय है। ये सवाल रोजगार का है। सरकार रोजगार पैदा करने में कहाँ सक्षम रही है ये बताइए कि 8 साल में मोदी सरकार ने किन नौजवानों को रोजगार दिया और ये कहा कि ये नौजवान खुश हैं भारत की इस मोदी सरकार से। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको असल में इस देश में बेरोजगारी नजर नहीं आती है, इस देश में भुखमरी नजर नहीं आती है, इस देश में महंगाई नजर नहीं आती है। और वही भारतीय जनता पार्टी के नेता वो हमारी समृद्धि ताई जो 300-350 रुपए का सिलेंडर हो जाने के बाद में कांग्रेस के जमाने में वो नाचा करती थी और कहती थी महंगाई बढ़ गई, तो अब वो महंगाई कहाँ गई, उससे भी ज्यादा यानी 4 गुना उससे भी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई नहीं दिखाई देती। अभी नौजवान इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो मुद्दे हैं उनको समझ चुका है कि जैसे लगातार इन्होंने ये कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन वायदा रोजगार का किया, वहाँ धर्म की बात उस चुनाव के अंदर फेंक दी, तो नौजवान कहीं ना कहीं गुमराह हुआ, लेकिन इस बार नौजवान गुमराह नहीं होगा, सरकार से हिसाब मांगेगा।